नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड बात करेंगे। यार एक बात मेरे आप समझिए, आप वीडियो के माध्यम से साथ में आप मैं वीडियो अटैच कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। मैं मेरे मुँह से बोलूँ तो हो सकता है सच्चाई नहीं हो, लेकिन भाई जो इंसान फंसे हुए हैं काफ़ी टाइम से, जो परेशान हैं और जो जिस अंगुली के लगती है ना वही उसका दर्द समझ सकता है। इसको एहसास नहीं होगा कि दर्द है कि नहीं है, जिसके लगी है उसी को पता लगेगा। अभी हमारे राजस्थान के मान लीजिए, इंडिया के मान लीजिए, काफ़ी सारे लगभग 30 के करीब लड़के फंसे हुए हैं लगभग 3 से 4 महीने से। अब उनको इंडिया आना है, मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, उनका खुद का कहना है कि वो पासपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है। और ख़ास तौर से मैं बता दूं कि इंडियन एम्बेसी उनका सपोर्ट नहीं कर रही है, उनका सहयोग नहीं कर रही है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, मजबूरन उनके जो विदेश में फंसे हैं कुवैत के जो लगभग 30 के करीब पॉपुलेशन 30 लोग हैं, मजबूरन उन्होंने अपने लोकल कलेक्टर के सामने पेश होना पड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीवी में भी बाकायदा ये न्यूज़ आ चुकी है। उन्होंने गहलोत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि भाई आप उनकी हेल्प करें, ठीक है। उनके बावजूद भी इंडियन एम्बेसी उनका सपोर्ट नहीं कर रही है, वो यही दबा देती है कि आप उनके साथ काम करें, वो पासपोर्ट नहीं देंगे। तो भाई अगर इंडियन आदमी को इंडियन एम्बेसी अगर इस तरह से बोलने लग जाएगी तो उनका क्या होगा, आप लोग जो विदेश में बैठे हैं आपका क्या होगा। हालांकि मैं यहाँ पे नॉर्मल तरीके से बातें कर रहा हूँ, बातें तो अच्छी तरीके से भी करनी आती हैं, लेकिन वो तो एक लास्ट हथियार होता है। क्योंकि इंडियन एम्बेसी है, हम बुराई नहीं करना चाहते उनकी, क्योंकि वो हमारी एम्बेसी है। आप आज लोगों के मुंह से खुद से आप सुन सकते हैं कि ये इनकी ये स्थिति है। हम कुवैत में बुरी तरह से फंसे हुए हैं और हम एक पाकिस्तानी के पास काम कर रहे हैं, तो उसने पासपोर्ट उसके पास रखा हुआ है, तो हम उसके मांगते हैं तो वो नहीं। हमने एमबीसी गए, एमबीसी से बात किया, एमबीसी से एफ आई आर दर्ज करवाई है, तो एमबीसी वाले उसको फ़ोन लगा के बात किया है, फिर वो वापस उससे दोनों आमने सामने बात करते हैं। हम 29 तारीख को गए थे तो उसने बोला पाकिस्तानी से ही बात कर रहे हैं वो आमने सामने, और एमबीसी वाला आज उधर पाकिस्तानी दो एमबीसी के वाले के पास जाके बैठ के हमको बोल रहे हैं कि तुम इधर आओ, तुमको पासपोर्ट नीचे नहीं मिलेगा और तुम काम पे जाओ, ऐसे करके हमको ये धमकी दे रहे हैं। तो ये एमबीसी वाले पाकिस्तान से मिलेंगे तो हम कानून के हिसाब से हम सरकार से मदद मांग रहे हैं, तो वो मदद नहीं मिल रही है, और आमने सामने उन्होंने पाकिस्तानी और एमबीसी वाले बात करके हमको धमकी दे के बुलाते हैं। तो फिर हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद की जाए, ये कानून कायदा है, तो फिर इस तरीके से अगर होता है तो फिर पब्लिक किस पे भरोसा करेगी। आज हम फंसे हुए हैं या मरने की नौबत आ गई है, तो एमबीसी वाला इंडियन एमबीसी और पाकिस्तानी मिल के हमको वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो मिल रहे हैं, तो फिर हमारा क्या होगा। ये हमारी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, तो हमारी मदद की जाए। हाँ सर, हमें एमबीसी में 24 तारीख को कंप्लेंट करी है, 24 से लेके हम 4 बार जा चुके हैं और 29 तारीख को हम गए थे, बात की और वो बात करने के बाद वो पाकिस्तानी पे फोन मारता है, हमेशा फोन मार के बोलता है कि आप एक काम करो, जाओ खेतान में जाके बात कर लो और काम पे चले जाओ, पासपोर्ट तो नहीं मिलेगा, पासपोर्ट की मत करो तुम, और तुम पासपोर्ट तो ठीक है वो फिंगर करवा के ही तुम्हारे को इंडिया भेजेगा। हमने कहा सर हमें फिंगर करवा दे, इसकी दिक्कत नहीं है, हमें घर जाना है, हम मोहब्बत में है, 3-4 महीने हो गए, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, खाने की चीज़ नहीं है, अभी हम कैसे जी रहे हैं वो हम ही जानते हैं, हम इतने परेशान हैं कि हमारा मन ही जानता है, पर एमबीसी वाले कोई भी बात हमारी मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा इनको कि भाई एक काम करो, पाकिस्तानी को बुलाओ और जो पासपोर्ट है इनको लेके बुलाओ, तो आपके सामने हमें दिलाओ, हम इसके साथ काम करने के कोई मुश्किल नहीं है, मगर वो पासपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है। और 29 तारीख को हम गए वापस निकाल दिए और ये 30 तारीख को जाके बैठे हैं, दोनों पाकिस्तानी, एक अनवर है और एक मोहम्मद अशरफ है, ये दोनों जाके एमबीसी वाला से हमें धमकी दिला रहे हैं कि भाई तुम एमबीसी बार बार मत आना, बार बार मत आना। तो मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे, हम गवर्नमेंट हमारी एमबीसी है, हम एमबीसी में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, हम अभी कुवैत में एक बात है, एमबीसी के सिवा हम जा कहाँ सकते हैं। तो यही हमारा निवेदन है कि हमें परेशान करके रखा है यार, बस हमें काम नहीं करना है इस महामारी में और हमें घर आना है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ न खाने का है न पीने का है और काम तो मिलता भी नहीं है, पूरी दुनिया जान रही है, कभी पूरे अरब कंट्री में कहीं काम है ही नहीं, है तो वो कहीं थोड़ा बहुत है, और कंपनी वाला कहे भाई वो जाए, हमें तो कोई परमिशन ही नहीं है, हमें यही है कि हमें घर मंगाया जाए और हमें घर आना है, बस हमें इंडिया जाना है, हमें फले फिंगर हो या कुछ भी हो, हमें इधर नहीं रहना जी, और पासपोर्ट चाहिए हमको बस।
पासपोर्ट दिलाना का कष्ट करे। इधर 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 वाला ला, इधर बता। तो हम उम्मीद करते हैं आपने देख लिया होगा साथियों वीडियो, खुद का उनके उनके मुंह से उनकी जुबानी से मैं आपको सुनाया है और एविडेंस साथ में रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं इंडियन एम्बेसी से, उनमें जो अधिकारी हैं उनसे, कि हमारे इंडियन हैं ये और इनकी सुरक्षा के लिए आपको वहाँ पे बिठाया गया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इनकी हेल्प करें, इनका पासपोर्ट दिलवाएं और इनको इंडिया भिजवाने का आप कष्ट करें। आपका बहुत बहुत आपकी मेहरबानी रहेगी और हम आपका गुणगान करेंगे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।